सर जी नमस्कार। आप सोच रहे होंगे मैं नल क्यों लेके आया हूँ। मैंने कहा बड़ा भाई आके हैंडपंप उखाड़ते, छोटा भाई नल तो उखाड़े गई। खैर मैं किसान बनाऊ अरबाज भाई, किसान बनने पे कितना दुख होता है, या तो मैं जानता हूँ या सुहेल भाई। हम गरीब आदमी, इतने गरीब हैं, पेटीकोट पे धोती लिख के पहनते। एक बार मैंने पेटीकोट पे धोती नहीं लिखा, मुझे 3 गुंडे उठा के ले गए। उनका भी क्या कसूर है, हमारे गांव में औरत ही नहीं है कोई। इतना खौफ है हमारे गांव में, हमारे गांव में तो फीमेल सब्जी नहीं पैदा होती। तू वहां की मिस इंडिया बन सकती है। अच्छा जब से श्रुति गांव छोड़ के शहर आई है ना, वहां की भैंसे इसको बहुत मिस करती हैं। सारी भैंसे बैठ के आपस में कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, अब हमारा गोबर करने के बाद हमारी पूंछ की चोटी कौन किया करेगा। खैर अर्चना जी, हमारे गांव में कोई औरत नहीं है, लेकिन एक ना जिम्मेदार का लौंडा है, साला लड़की बन के घूमता रहता है। बुन्नू पहचानो मुझे, मैं राधा। ये देखी राधा, साले सिद्धार्थ सागर, तू साले फिर से लड़की बन के आ गए यहाँ पे। क्यों बनता है लड़की? इतनी बार लड़की बन चुका है। ओए ओए ओए, क्या बताऊं मैं आपको अर्चना जी, अरबाज भाई, मैं क्या बताऊं? तेरे गले में ऐसा हथौड़ा फंसा हुआ, जनरेटर जैसी आवाज तेरी। देख मेरी बात सुन, इतनी बार लड़की बनता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाई ले। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, मैंने डॉक्टर को जाके बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे लड़की बनने का बहुत शौक है। फिर? फिर क्या, फिर जब मुझे होश आया तो मैं उनकी बाहों में थी। एक मिनट जरा, बुन्नू मुझे शादी कर लो। बुन्नू राधा, राधा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा तो ब्रश कर लो। तेरे को शर्म नहीं आती मेरी इंसल्ट करी? मेहमान आए बाहर से, वो देख अभय देओल आए। ओ तो मैं क्या करूं? कल नहीं तेरे को इंसल्ट करा रही। उधर देख, देख प्रीति देसाई आई, प्रीति देसाई। वाओ ये कौन है? भाजी बुरा नहीं मानना, ये गांव की लड़की ना देहातन, इसको पता नहीं स्टार क्या होते हैं। सलमान भाई को देख के बोली थी एक दिन, एक्सक्यूज मी क्या नंगे घूमते रहते हैं, कपड़े पहन के आ गए हमारे गांव में। रवि किशन का नाम है तो बाथरूम से नहाती बाहर आ जाती। रवि किशन आए हैं? बकवास बंद कर बोलू। रवि किशन इज रवि किशन, और रवि किशन इतना अच्छा लगते हैं मेरे को, पता क्यों? उसका स्टाइल है बोलने का ना, अरे बाबू जिंदगी झंडवा मेरे। रवि के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आई लव रवि रवि रवि। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? देख राधा, तेरी मेरी शादी एक शर्त पे हो सकती है। क्या? अपने बाप को बोल मेरी माँ के कंगन लौटा दे। कंगन ही लौटाने, उसको बोल मेरी माँ के हाथ ही लौटा दे। बेचारी बिना हाथों के गांव में ऐसे ऐसे घूमती, लोग बोलते हैं छोले 3D की प्रमोशन करने आई है। मुन्नू पुरानी बातें भूल जाओ, मुन्नू मुझसे शादी कर लो। राधा अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना तो मैं पक्का शादी करूंगा तुम्हारे साथ। इसका मतलब अगर इंद्रदेव बारिश नहीं करेंगे तो मैं प्यासी मर जाऊंगी? नहीं बुन्नू नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी। बताओ तुम्हें सामने बरगद के पेड़ देख के क्या याद आता है? बरगद का पेड़ उधर है, सामने अर्चना जी बैठी। अगर बरगद का पेड़ इधर है तो चुड़ैले यहाँ क्या कर रही है? बरगद का पेड़ देख के मुझे अपना बचपन याद आता है राधा। क्या? जब हम उस पेड़ के नीचे बैठ के गाने गाया करते थे। हाँ तो गाने तो मैं गाती थी, तो करने में लगा। इधर नाक देखो इसकी, इतनी बड़ी नाक है, नाक के बाद सीधा कान आ जाते, गाल है ही नहीं। अगर तुझे मेरी इंसल्ट ही करनी है बेगानों के सामने तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट बुन्नू, बुन्नू बुन्नू मेरे पास आओ, बुन्नू मुझे प्यार करो बुन्नू। राधा हाँ राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा तो ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ शेव के बाद भी बाल बचे हैं थोड़े थोड़े। इधर आओ, ऐसे ही बहाने बनाती है ये। अभय जी आप इतना प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम क्यों नहीं करते? तो मैं करूंगा, मारेंगे नहीं मेरे को वो। मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? जब तेरे को पता है मेरे पास खाना खिलाने के पैसे नहीं, क्यों भूखी मरना चाहती मेरे से शादी करके? मुझे पता है बन्नू कि तुम अपना पेट भरो ना भरो, मेरा पेट कैसे भी करके भर दोगे। दादा देख मैं तेरी शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे बन्नू।
उसे शादी कर लो बुन्नू, मैं चाहती हूँ मेरे चार बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे। मैंने तो नाम भी डिसाइड कर लिया है। क्या बात, क्या नाम रखेंगे अपने बच्चों के? 1 2 3 4, नो कन्फ्यूजन। क्या पागल हो रहा था, 1 2 3 4 नो कन्फ्यूजन। देख हम ना पारिवारिक लोग हैं, बड़ों की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। ठीक है, वो पंजाब से भाई आया मेरा बड़ा। ओके, अगर वो तुझे पसंद कर लेगा तो तेरी मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है। हाँ अभी जी, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ बहुत। तो उनको छोड़ो, मेरे को रख लो। एक मिनट रा पारी, एक्सचेंज ऑफर होता, आपने मेरा माल भी रख लिया, अपना भी उधर बिठाया हुआ है। अबे पारी इतने स्वीट हैं अर्चना जी, अगर ये गदर फिल्म में होते ना सनी पारी की जगह पे, इन्होंने डायलॉग कैसे बोलना था? अशरफ अली देखो सकीना को हमारे साथ जाने दो, नहीं तो अगर ये जट बिगड़ गया ना मम्मी ने शिकायत लागनी है। चल उन्होंने पसंद कर लिया तेरे को, हाँ तेरी मेरी शादी होगी। चल चल हम दोनों हनीमून मनाने चलते हैं, आ जा।